हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज मैं आप सभी को रेक्सिंग कार डैश कैम V1P Pro इसके बारे में रिव्यू और इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कैमरा वाईफाई एनेबल्ड और GPS लॉगर के साथ आता है और इसकी रेटिंग एट प्रेजेंट Amazon में सबसे अच्छी आ रही है। ये कैमरा 180p 4K रिकॉर्डिंग करता है, फुल HD है और इसका जो कलर डिस्प्ले है वो 2.4 इंच का है। तो चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और इसको कैसे इंस्टॉल करना है देखते हैं सब। बिल्ट इन वाईफाई, बिल्ट इन GPS, V1P Pro। Extend your warranty information and other information है। So here is camera, you can adjust the angle of the camera। यहाँ से आप adjust कर सकते हैं camera का angle। Display, पावर बटन, और इसमें क्या है देखते हैं। ये इसके पावर अडैप्टर कोड है। जो कि इसको पावर देगी, ये आपके सिगरेट लाइटर में लग जाएगी और ये आपके कैमरे में लगेगी वायर, जो फ्रंट कैमरा है उसमें लगेगी। और ये जो बड़ी वाली तार है ये आपके रियर व्यू जो कैमरा है उसके लिए दी हुई है। इसके अलावा ये रियर कैमरा है, ये इसकी 3M, ये इसके साथ फिक्स हो जाएगा उसमें। ये आपके ग्लू स्टिक्स हैं, ये आपको सारी वायरिंग एडजस्टमेंट करने के लिए साथ में दिया है कि आप प्रॉपर पूरी उसमें आपकी वायर आप हाइड कर सकते हैं अपनी कार में, तो आपको ताकि ड्राइविंग करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जहाँ कोई भी आपको ऑब्स्टेकल ना हो, जहाँ वायर्स लटकती अच्छी नहीं लगती कारों में, ये उसके लिए दी हुई। आप इसको कार्स को पूरी अपने रूफ में और साइड्स में आप लेके उसको हाइड कर सकते हो। ये USB, ये रियर कैमरे के लिए सेम चीज। ये 3M, इसके साथ ये डबल टेप है, ये आपके कैमरे और आपका जो विंडशील्ड है उसको ये दोनों अटैच करेगी और ये बड़ी स्टेबल रहेगी। इसके अलावा ओनर मैनुअल, डबल टेप, जो इसके फीचर्स हैं वो 2.4 इंच जैसा कि मैंने बताया था LCD डिस्प्ले, 170 डिग्री वाइड एंगल, HD हाई डेफिनेशन लूप रिकॉर्डिंग है एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी है ये, ऑटो पावर ऑन ऑफ
एंड डिस्क्रीट डिज़ाइन कोलिजन सेंसिंग, डेट मीन्स इन केस अगर आपकी गाड़ी कभी भी किसी से इन केस टकरा गई या किसी ने आपको एक्सीडेंट किया तो वो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी और उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, और अभी जब आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो आप उसको इजीली अपने सिस्टम पे देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प भी है, टाइम स्टैम्प मीन्स आप किस टाइम पे उसको ट्रैवल कर रहे हो, किस डेट पर ट्रैवल कर रहे हो, तो वो आपकी वीडियो पे मार्क आ जाएगा। ड्यूअल चैनल है, फ्रंट एंड रेयर दोनों आपको डिस्प्ले आएगा। तो चलिए अब इंस्टॉल करते हैं इस डिवाइस को। फ्रेंड्स देख रहे होंगे यहाँ पे टेम्परेचर 94 जो फ़ारेनहाइट आपको शो कर रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में एट प्रेजेंट 33 है, लेकिन यहाँ पे ये हीट बहुत ज़्यादा फील होती है। अगर ये 100 टच कर जाए तो ऑलमोस्ट इंडिया का जैसे 50 डिग्री होता है सेल्सियस, तो ऑलमोस्ट वैसी फीलिंग आती है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एट प्रेजेंट 2015 अपनी प्रियस, तो इसमें मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो ऑलमोस्ट सभी कारों में वायरिंग आप भी इजीली कर सकते हैं जो रेक्सिंग डैश कैम है। तो अभी मैं इसको इंस्टॉलेशन की जैसे मैंने बात करी थी तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट पार्ट है इसकी आपने प्लेसिंग कहाँ पे करनी है, तो ऑलमोस्ट आपको सेंटर पॉइंट अपनी कार का ढूंढना है। तो या तो आप इस का बैक साइड ये इसका सेंटर पॉइंट होगा नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे मैंने अपना इजी पास जो कि यहाँ पे टोल पे करते हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरा लगा हुआ है, तो मैं इसी के यहाँ पे साइड पे, और जिससे मेरी वायरिंग में भी मुझको कोई ऑब्स्टिकल ना आए तो मैंने ये जगह यहाँ पे प्लेस करने के लिए सोच रहा हूँ। अगर ये यहाँ पे प्लेस हो भी जाता है तो फर्स्ट पार्ट तो यही है कि आपको ये मिरर एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी कुछ ठीक है यहाँ से, और प्लस पॉइंट इसका ये है कि आप यहाँ से इजीली इसमें आपके पावर और आपका जिस टाइम भी कार्ड इंसर्ट करना है, ये 128 GB मेमोरी का कार्ड सपोर्ट करता है, और पावर बटन ये इजीली एक्सेसिबल है। ये जो है ये रेयर व्यू कैमरा के लिए जा रही है, और ये GPS के लिए GPS सिग्नल्स के लिए वायर आप लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो अभी मैं अभी इसको लगाता हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए मैं अल्कोहल जो यूज़ कर रहा हूँ और मैं ये नैपकिन यूज़ कर रहा हूँ जो लेंटल फ्री हो, बस आपने ये ध्यान रखना है। इसका ये बेनिफिट है कि जहाँ पे भी अभी आप इसकी आप 3M का लगाएंगे तो उससे ये कहीं उस पर डस्ट वगैरह सारी साफ हो जाएगी। ये अच्छी तरह आपने साफ एरिया कर लेना है जहाँ पे आपने उस कैमरे को प्लेस करना है। ये ई सिगरेट लाइटर पावर अडेप्टर है जो कि मैं इसमें यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। इससे आपके जो फ्रंट कैमरा है ये रेक्सिंग का, इसको पावर मिलेगी। तो मैं अभी वहाँ पे मिरर पे प्लेस, विंडशील्ड पे प्लेस करने से पहले अभी आपको यहाँ पे इसका डेमो दे देता हूँ। तो ये इसमें इंस्टॉल हो गई है, और ये इसका पावर बटन है, ये आप देख सकते हैं कि ये स्विच ऑन गया है, थर्ड जनरेशन है। तो ये देखो कैसी क्लैरिटी है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था 2.4 इंच कलर स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है, और ये जो पॉइंट है यहाँ से आपके रेयर कैमरे के लिए जाएगी सप्लाई। यहाँ पे आपका जो 128 GB SD कार्ड सपोर्ट कर रहा है वो लग जाएगा। तो मैं भी आपको इसके फीचर्स बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट आपने ये मेन्यू बटन है इसका, और ये लेफ्ट राइट एरो की से आप मेन्यू पे आप इस पर जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट मैं जा रहा हूँ रेजोल्यूशन पे और मैंने ओके प्रेस किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है वो फुल HD 1080 पिक्सल पे है, और ये सबसे बेस्ट है। और अगर आपने इसमें से चेंज करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मिनिमम मेमोरी लेनी है तो वो 720 पिक्सल HD, 720p 30, फुल HD p 30+, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आपको ठीक लगे वो है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सबसे बेस्ट है, तो मैं इसी को रख रहा हूँ एट प्रेजेंट। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लूप रिकॉर्डिंग, तो ये
इसको प्रेस किया, मैंने किया प्रेस ओके, तो आप ऑफ करोगे तो आपका अगर मेमोरी कार्ड अगर हाई उसका है 128 GB है तो वो आपका ज़्यादा टाइम रिकॉर्डिंग कर देगा, लेकिन जो बेस्ट इसमें होता है लूप रिकॉर्डिंग में आप 1 मिनट 3 मिनट आप लगा सकते हैं तो वह ऑटोमेटिकली 1 मिनट की रिकॉर्ड करके वो आपकी नेक्स्ट फाइल रन करता रहता है। तो 1 मिनट 3 मिनट तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑफ या 1 मिनट या 3 मिनट्स हैं, तो मैं 3 मिनट्स को प्रेफर करता हूँ हमेशा, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया ओके। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है वाइड रिकॉर्डिंग, तो मैं उस पर आने के लिए ये किया ओके प्रेस किया, वाइड रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन है तो वो सबसे बेस्ट है, उसका सबसे अच्छा व्यू आएगा वाइड रिकॉर्डिंग का। देन वापस मेन्यू पे आते हैं एक्सपोजर, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट प्लस ज़ीरो है, ये सबसे बेस्ट यही माना जाता है, और अगर आपने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं एक्सपोजर को तो क्लैरिटी कैसी है वो आप इजीली सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑडियो, प्रेस किया ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, जो भी आप कैबिन में बात कर रहे हैं तो वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ऑन ऑफ ये आप चूज़ कर सकते हैं, तो ये मैं हमेशा इसको प्रेफरेंस देता हूँ ऑन रखो, जो कोई भी अगर राइड शेयर जैसे ऊबर लिफ्ट या अपनी कंट्रीज में ओला कैब्स जो भी कोई चलती है तो आपके जो कैबिन में वो रिकॉर्डिंग है, इन केस कोई मिस हैपनिंग या कोई आपसे कोई राइड शेयर में कोई गलत पैसेंजर भी बैठ जाए तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग उस टाइम एक एविडेंस के तौर पर काम आ सकती है, तो वो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर सकता है, अगर कोई कन्वर्सेशन कोई गलत होती है या तो उस टाइम पे ये एक अच्छा ऑप्शन है, तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि आप हमेशा इसको ऑन ही रखें, तो ये ऑन कर दी। नेक्स्ट जो है वो है डेट स्टैम्प, ओके प्रेस किया, इस बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, इसका मतलब ये है कि जिस दिन जिस टाइम पे आपकी गाड़ी चल रही है तो वो टाइम उस वीडियो क्लिक के ऊपर हमेशा आता रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं ग्रेविटी सेंसिंग, लो ये अभी आपने लो पे रखनी है, इनकेस जैसे कोई इम्पैक्ट होता है हाई तो वो अपने आप सेंस कर लेता है और वो वीडियो आपकी लॉक हो जाती है वो फाइल और उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता, तो मैं अगर इसकी ग्रेविटी सेंसिंग लो भी रखता हूँ, जैसे लो इसलिए रखी है कि आप सड़क पे भी हम्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो अगर आप हाई रखोगे तो वो आपकी सारी वीडियोस को अननेसेसरी लॉक करता रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको लो रखा है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको लो मीडियम हाई ग्रेविटी सेंसिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेट नंबर, इसमें भी आप ऑफ ऑन, तो अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये आपसे आपकी गाड़ी का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपकी वीडियो पे आता रहेगा, अगर आपने इसको सेट करना है आप सेट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं लगाना तो आप इसको बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो एट प्रेजेंट मैं इसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मैं प्लेट नंबर पे मैंने इसको अभी अपनी गाड़ी के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसमें मैंने नहीं फीड किया है, आप इसको जब चाहे उसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको आप फीड कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये थे सारे मेन्यू के ऑप्शंस, मैं एट प्रेजेंट इसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसको ऑफ सेलेक्ट कर लिया है, ओके कर दिया है। तो ये थे सारे इसके मेन्यू के ऑप्शंस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे इजीली समझ आ गए होंगे, इन केस कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर कर दूँगा। तो चलिए अभी मैं आपको इसके कार में हम लोग फ्रंट पे इसको इंस्टॉल भी कर देते हैं साथ में, और फ्रंट एंड रेयर कैमरा ड्यूअल जो है ये दोनों के इंस्टॉलेशन करके जो इसका हम लोग मेन चीज़ आती है कि हमने इसका व्यू देखना है कि इसकी डे टाइम रिकॉर्डिंग कैसे है और नाइट टाइम रिकॉर्डिंग कैसे है, तभी इसका एक्चुअली हम जो इसका रिव्यू है वो आ पाएगा।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको एसडी कार्ड लगाना है जो कि 128 GB तक ये सपोर्ट करता है, तो मैं इसमें एसडी कार्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। ये वाला 32 GB का है, तो फर्स्ट है इसको इस डायरेक्शन पे इंस्टॉल कर दो, इंसर्ट कर देना। तो अब एसडी कार्ड इंसर्ट हो गया है, तो अब इसको मैंने फॉर्मेट करना है। तो मेन्यू, दो बार आपने प्रेस किया बटन तो ऑप्शंस आ गए हैं। ये फर्स्ट है इसमें वाईफाई, इसकी सेटिंग्स में अभी आपको जब एक बार सारा प्रॉपर ये इंस्टॉल हो जाएगा ये भी मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम, ये आप इजीली सेट कर सकते हैं। ऑटो पावर ऑफ, जब आप गाड़ी इग्निशन ऑफ होती है तो ये अपने आप ही ऑफ हो जाता है। डिवाइस साउंड, ये ऑन ऑफ उसका दिया हुआ है, प्रेस किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही है। ये आपको पता लग जाता है कि हर बारी जब आप इग्निशन देते हैं गाड़ी को तो ये साउंड करती है, तो उससे अगर आप इसको ऑफ ऑन करना चाहते हैं तो आप ऑप्शनल है, ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन लैंग्वेज, इंग्लिश आप सेलेक्ट कर लेना इसमें। फ्रीक्वेंसी, स्क्रीन सेवर, आप स्क्रीन सेवर जो लगाना चाहें इसमें। डे लाइट सेविंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रखना है। जीपीएस स्पीड यूनिट, सेट टाइम जोन, ये देखते हैं। सो एट प्रेजेंट अपना टाइम जोन ये मैंने न्यूयॉर्क सेट कर लिया है, आप अपने लोकेशंस के अकॉर्डिंग आप उसमें से सेट कर लेना। ओके, एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट, तो ये मैंने ओके किया एंड ये आपसे वेरीफाई कर रहा है कि आपने कैंसिल करना है या फॉर्मेट करना है। तो मैंने अभी अभी उसमें कार्ड इंस्टॉल किया तो इस केस में मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ, तो मैंने ओके प्रेस किया है। ये से प्लीज़ वेट, कुछ टाइम लगेगा, अभी आपका कार्ड फॉर्मेट हो गया है। लास्ट ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, अगर आपने पूरी सेटिंग्स जैसे बाय फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं अगर वो लेनी है तो आप वो सेट कर सकते हैं। ये इसमें लास्ट ऑप्शन है वर्जन, जो इसका वर्जन होगा ये आपको डिस्प्ले कर देगा। तो अभी हम करते हैं इसको इंस्टॉल। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए अपना रियर व्यू मिरर डिटैच कर लेता हूँ। तो ये आपने जिस टाइम आपने अपने विंडशील्ड पर लगानी है उसको आपने यहाँ से पील कर देना है, और यहाँ पे आप जहाँ पे भी आपने इसको डिसाइड किया है अपने कार में, तो मैंने ये वाली लोकेशन फाइनल की थी, तो मैं यहाँ पे इसको
मैं कैम अभी ये इंस्टॉल हो गया, आप देख सकते हैं व्यू आ रहा है अभी, तभी आप यहाँ से कैमरा अपना एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से मैंने पावर सप्लाई, ये जा रही है, ये इसकी रूफ से होते हुए इसके पीछे हिडन होती है, बाकी आपको ड्राइविंग करते हुए ऑब्स्टिकल नहीं आएगी ये ग्लव बॉक्स के अंदर से। फ्रंट कैमरा इंस्टॉल हो गया है, अब हम करेंगे इसका रियर व्यू कैमरा। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसको जो सप्लाई जाएगी फ्रंट से वो यहाँ पे इसमें लग जाएगी वायर, इसका यहाँ पे पॉइंट है। और ये कैमरे का एंगल अगर आपने एडजस्ट करना है रियर में, तो ये देखो ये आप इजीली इसको एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। और तो चलिए, और ये 3M एडहेसिव टेप लगी हुई है जो डबल साइडेड है, इसमें ऑलरेडी लगी हुई है। और अभी जस्ट हमने इसको जो राइट पोजिशन है सेंटर रेयर की, वहाँ पर इसको मैं प्लेस कर देता हूँ। तो ये अभी मैं रियर व्यू कैमरा डैश कैम इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो इसकी सबसे फर्स्ट जो प्लेसिंग है सेम सेंटर पॉइंट आपने देख लेना अपनी कार का, तो मैंने अपने केस में यहाँ पे इसको फिक्स करूँगा। तो ये 3M एडहेसिव टेप यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है, जस्ट इसको मैंने यहाँ से पील करके इस पर प्लेस कर देना है। ये रेयर भी HD डिजिटल रिकॉर्डर है, ये यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए मैंने। अब मैं जस्ट इसकी वायरिंग जो इसकी अपने रूफ है कार की, इससे मैंने इंटरनल वायरिंग कर देंगे। ये रेयर व्यू की पावर सप्लाई, यहाँ से वायर ऊपर से होते हुए इसके पीछे हिडन करके, ये आपके साथ साथ में इसके पीछे से ये गई है, पूरी हिडन है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। तो ये लग गया रियर व्यू। तो अब इसका देखते हैं रोड पर व्यू कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो चलिए चलते हैं रोड टेस्ट पे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो जो कि रैक्सिंग V1 Pro DashCam की थी। इस वीडियो में मैंने आपके साथ इसकी इंस्टॉलेशन और इसका रिव्यू दोनों ही शेयर किया है। इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है फ्रंट एंड बैक, रात डे टाइम और दिन में दोनों ही आपके साथ शेयर करी है। और इसको बाय करने का जो लिंक है वो मैंने अमेजोन से बाय किया था, इसका प्राइस यहाँ पे $199 है और अभी ये प्राइम डे पे ऑफर थी तो ये मेरे को $130 का मिल गया। और इसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। और इसको अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो और किसी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ जल्द ही। Bye and happy and safe driving to everyone.